देश का अन्नदाता जिसे हर कोई आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। सरकार, आड़ती, शाहूकार, फसल का बीज और दवाई बेचने वालों के चक्रव्यूह में किसान फंस जाते हैं। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक मोटा आर्थिक नुकसान हो चुका होता है, इसकी भरपाई को कोई तैयार नहीं होता। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर के बटाला में सामने आया। यहाँ किसानों का आरोप है कि दुकानदार ने लाखों रुपए का नकली बीज उन्हें दिया। पैसा, फसल और समय तीनों बर्बाद हो गए। किसान दुकानदार पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि दुकानदार उनके नुकसान की भरपाई की बात कर रहे हैं। नेशनल ट्रेड कंपनी को बीज लिया 1121 का, वो बीज जड़ा ना जमदा ही फुटन लग पाया, बिचों नसारू निकल लग पाया। वो बीजिया जदों पैली च तो दुंबे तह निकल लग पे ने, जिद करके 16 किले, हाँ 16 किले बाद जोड़ा 10,000 किले का नुकसान हो गया। ये 1 किले का 1,60,000 का नुकसान। दोबारा बीजांगे फिर 10,000 खर्चा आएगा। दोबारा हूँ वाता 16 किले, तो दोबारा 16 किले वाहन ना, दोबारा फिर इन्ना नुकसान साढ़ा हो गया, तो सानू मुआवजा दवाया जाए। दुकानदार की दुकानदार टाल मटोल कर रहे हैं, तो बी बेटा लगा आ घूमे ना हो गया, बाकी भी लागे फसल 1121 दूजे बी लिया ने कि कंपनी वाले कहना कोई कि होर कंपनी का बी लिया वो सही सलामत ने। मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है जी, तो असी इन्हों को बी खड़िया ही सम्राट सीड 1121 का 60 किलो बी खड़िया ही, तो साडा सारा ये जो अं 1121 लाई है तो सारी 1121 खराब हो गई। साढ़ी 14-15 किले 1121 खराब हुई है, तो असी इन्हों को नैशनल वाले को बी खड़िया, तो असी इन्होंने आन के दस दिता जी जिस दिन ये पनीरी उगी है कि ताड़ी ये पनीरी दे विच ये खराबी है। इन्होंने स्प्रे दी कि ये तुम करो तो ये हल हो जाएगा, वो हल साडा नहीं होया। असी ये जो 1121 की पनीरी लवाई है भइया को, वो बाद 10-15 दिन बाद सारी खराब हो गई है, गल गई है। असी इन्हों दसिया पहला आन के इन्हें गंढ पै गई, तो अं इन्हों आन के दसिया, तो इन्होंने कहा भी आ स्प्रेया लै जाओ, स्प्रेया करो। अं जी स्प्रेया कर दतिया, तो वो भी ये रोकथाम नहीं हुई, तो जी रोकथाम ना होने के बावजूद ये सारी सानू वाहनी पई है। तो अं इन्हों आ दसिया ही, तो 16 किले 15-16 किले वाही, तो इन्हों आ दसिया असी, इन्होंने कहा कि अं यहाँ हरजाना देंगे, तो हूँ अं हरजाना लैन आए हैं। इन्होंने गांह टाल मटोले लाए ने जी, अं पिछे कंपनी करनाल तो आवगे 15 दिनों आवगे कंपनी तो, ये ताडा आ के नुकसान का दसणगे हल, तो इन्हें पला कोई नहीं जी फड़ाया। तो अं तो यह प्रशासन को मंग करते हैं कि साडा कोई हल किया जाए, जहाँ नहीं जिमीदार अगे मरिया पाया, तो इन्होंने जोड़ा साढ़े न ठगी की है, इन्हों के उत्ते कोई बनती कार्रवाई की जाए, अं तो यही मंग करते हैं जी। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਬੀਜ ਤੇ ਅੱਗ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਟੈਕਨੀਕ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਬੀਜ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਜ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾ ਹੈਗਾ, ਬੀਜ ਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਪਰੂਵ, ਅਸੀਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਬਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਥੇਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਟੈਗ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਟੈਗ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਟੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। आरोप सिद्ध कर, मसला इन्हां नूं मसला, मैं इन्हां दी आवाज उठाई सी स्ट्रीट ग्राउंड तों, ते इह ज्यादा काले पै गए कि हुणे ही साडा मसला मौके ते टेबल ते होए। खेती विच इह प्रॉब्लम बीमारी आनी है, साडे पौधे भी एक जड़ जीव है, इह इहदे विच जदों अहीं जीवन जाने आ, तो इहदे विच कोई बीमारी आंदी आंदी है,
ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੇਥ ਸਿਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੋ ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।